बिस्फि रह रहा आज शाम के व्यवहार के हाल चाल हैं कैसे आप सब लोग जी अलग अलग लाख शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आज आज कल जो मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ रेमेडीज रह ही ले आ रही हूँ इसलिए कि आपको पता है गर्मियों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं तो हर एक की तकरीबन स्किन का फेस का इशू बालों का इशू ये रहता ही है मेरा खुद अपना रहता है तो मैं किसी को क्या बताऊँ तो फिर यही होता है कि बस कर, जिन उन्होंने करना होता है वो कर लेते हैं और जब ढीले पड़ जाते हैं तो फिर हशी ख़राब हो जाता है ठीक है जब हर ख़राब हो जाता फिर हम भागे भागे आते हैं रेमेडीज़ की तरफ तो जब भागे भागे रेमेडीज़ की तरफ आए तो प्लीज़ क्लिक कीजिएगा बीजान ब्लॉग तो उस पर देखिए जी मैंने आज आपको दे रही हूँ जी बालों की ज़बरदस्त रेमेडी बालों में डेंड्रव जिसकी बहुत ज़्यादा होते हैं मैं सराइसिस की बात नहीं कर रही है सराइसिस एक बीमारी है ठीक है जी बीमारी का इलाज डॉक्टर नहीं करना है और हमने जी आपको ये रेमेडीज़ देनी है ठीक है जी तो मैं आपको फिर बार बता रही हूँ अगेन कि ये जो आपको मैं दे रही हूँ ये आपको मैं स्किन डेंड्रफ़ का दे रही हूँ सोराइसिस का नहीं दे रही क्योंकि वो आपको डॉक्टर नहीं देना है अच्छा जी ये क्लोज़ करके बता देती हूँ ये मेरे पास क्या है जी आपको नज़र आ रहा होगा ठीक है जी ये है जी डिस्परिंग ठीक है और सिंपल सी रेमेडी है ये जी, ये मैंने ले लिया पानी पानी का भर के मग ले लीजिए ठीक है जी तो बड़ा मग ले लें भर के जिसे आप लोग नहाते हैं वॉश करते हैं सर बात लेते हैं ठीक है जी आपने शैम्पू कर लिया जिस भी शैम्पू से आप कर रहे हैं उससे कर लें आमले रेठे से करें सबसे बेस्ट है ठीक है नहीं है तो फिर जो भी शैम्पू से आपने कर लिया शैम्पू करने के कर, बिल्कुल इसी सी और इतनी छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं कि इन पर आपको अमल करते हुए मतलब सुस्ती नहीं आएगी तो ये आप लोग थोड़ा सा करें इस पर ठीक है जी और एक होती है एक गंगी रखें ठीक है दो चीज़ें ये होगी डस्टबिन होगी पानी हर घर में मौजूद है डस्टबिन मंगा लीजिए सस्ता सा एक वो पैकेट पलता क्या कहते हैं उसको वो आ जाता है ठीक है आप वो ले लें और फिर एक होती है कॉम होती है बिल्कुल बारीक बारीक से उसके होते हैं इनके कि बारीक कंगी ही कहते हैं लाइसिस वगैरह के लिए अमुमन वो यूज़ की जाती है वो छोटी सी होती है ठीक है तो वो ले लें वाइट कलर में लेने ज़्यादा बेहतर है सॉरी ब्लैक कलर में लेने ज़्यादा बेहतर है नहीं तो किसी भी कलर की आप ले सकते हैं वो आपने लेकर जानी जब आपने सर वॉश किया अपना शैम्पू किसी भी शैम्पू से आपने वॉश कर दिया उसके बाद आपने क्या करना ये वाली दो अदर डिस हैं जो इनको खोल के आपने ये पानी में डालना है मैं आपको दिखाती हूँ जी अच्छा जी लाइट भी चलेगी है क्या हो सकता है बहरा अल्लाह करे आपको सही नज़र आ रहा हो ठीक है जी तो अब ये देखिए जी ऐसा है कि ये डिस्प्लिन जो मैंने खोल लिया है क्योंकि सहारी बात है सेलफ़ोन मैंने पकड़ा होता है तो फिर मुझे ये करना पड़ता है थोड़ा सा ऑफ करके ठीक है जी ये देखिए ये मैंने इसमें डाला बिल्कुल सिंपल इसको तो बल्कि आपको इससे वो करने की भी जरूरत नहीं है पानी में खुद ही हल हो जाती है ठीक है जी ये देखिए आपको नज़र आप ये पानी में हल हो रहा है बस इस तरह करना जस्ट सिंपल सा आपने शैम्पू किया और उसके बाद शैम्पू के बाद आपने अच्छे तरीके से ये अपने बालों में सारे बालों में एक जो बड़ा मग मागूतः भरा हुआ कि इसमें दो टैबलेट डाल देनी है और सारे बालों में डालते हैं पानी थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और फिंगर से आपको मसाज की तरह से करना है ठीक है जैसे आप खारिश कर रहे हैं सर पूरे सर में ऐसे ना कि सारे सर में इसका पानी लग जाए जब इसका पानी अच्छी तरीके से लग जाए तो आप दूसरा पानी में डालिए वो क्योंकि बिल्कुल मैंने बताया आपको ये लास्ट में इसके ऊपर आपने सिंपल पानी नहीं डालना ठीक है ठीके? जी फिर आपने टॉवल अपना वो करके ऊपर फोल्ड बालों में तो आ जाना है ठीक है उसके बाद आपने टॉवल से बालों को हल्का सा जैसे थोड़ा सा वो पैड ड्राई से कहते हैं कर लें यानी कि हल्का सा उसको प्रेस करें वो बाल थोड़ा सा फिर निकाल लें टावल को बालों को हल्का सा बस सूखे तो आपने कंगी से करना है जब कंगी कर ली आपने तो जो मैंने बारीक वाली कंगी कहा है आपको ब्लैक कलर की इसलिए कहा है कि उसमें डेंडरफ आपको नज़र आ जाएगी तो आप हफ्ते में इसको पहले तीन बार करें फिर दो बार करें फिर एक बार किया करें इस तरह फिर हर हफ्ते में एक बार करें इस तरह करें और, और कभी एक दिन छोड़ के एक दिन भी करें स्टार्ट जब लें जैसे जैसे आपके सर में डेंडफ है उसके मुताबिक ही इतना तो सेंस है ना आप लोगों को कि बिल्कुल ही वो मेरी बात पे आप लोग चलेंगे जिस तरह के ज़्यादा डेंडफ है तो डेली करेंगे फिर इसके बाद एक दिन छोड़ के एक दिन करेंगे फिर इस तरह टॉआसा वीक करेंगे इसी तरीके से ठीक है जी ट्वाइस टॉयसा मंथ भी करेंगे इस तरह करते करते आप लोग छोड़ दें इन श्रे डेंड आपकी ख़त्म हो जाएगी ये तो हंड्रेड परसेंट है लेकिन वो ब्लैक कॉम इसलिए कहा है मैंने कि हर बार आपने वो कंघी करके बालों में से जो उलझे हुए बाल होते हैं जिसे अड़े कहते हैं वो बालों में से निकाल के सारे जो अड़े हुए होते हैं बाल तो उसको अड़े के कहते हैं या पता नहीं क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम क्या वर्ड है बहरा जो बाल उलझे होते हैं उनको सुलझा के अच्छी तरीके से बारीक कंघी से उससे करना है ब्लैक कॉम होगी उस पर सारा वाइट वाइट आ जाएगा तो आपको पता चलता जाएगा कि कितनी कितनी हमारी डेंडफ निकल रही है फिर लास्ट में वही वाली ब्लैक कॉम होगी जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि कितनी क्वान्टिटी में हर बार वो आपका डेंडफ निकलते निकलते लास्ट में आपकी कॉम जब बिल्कुल साफ आने लगेगी तो इट्स मीन कि आपकी डेंडफ खत्म होगी है तो छोटी सी रेमेडी है ईजी सी है बिल्कुल चीप सी है सस्ती सी है कुछ भी इसमें नहीं है यह डिस्प्रिट आपको बाजार से लानी पड़ेगी बाकी कुछ भी नहीं है पानी है ठीक है जी तो आप लोग ज़रूर करेंगे आई होप कि आपको ये रेमेडी भी पसंद आएगी कमेंट में बताइएगा किस किस ने की है कैसी लगी है रेमेडी मतलब कोई मसला तो नहीं किसी को कुछ लगा सब मुझसे शेयर किया करें जैसा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मैंने आपको बताया मैं आप लोगों को टोट के नहीं देती रेमेडीज़ देती जो मैंने खुद की आजमाई हुई होती है और जो अभी की आजमाई भी नहीं की रिसेंटली मैंने ये चैनल बनाया तो मैं कह रही हूँ ये मेरी बहुत पुरानी कई सालों की है इनकी पुरानी जो हम करते हैं ठीक है जी तो जी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़